अब क्या करें? कहीं पुलिस को पता चल गया तो आके हमको पकड़ ले, जेल जाना पड़ेगा। पुलिस को हमें सब कुछ सच बता दूंगा। उल्टा हमको ही पकड़ के जेल में डाल दिया तो कौन है? कहीं पुलिस तो नहीं? भैया सामने आ जाओ, हम सब सच सच बताते हैं। हम कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। अभी अभी जो आपने देखा, इस अपराध ने आसपास के पूरे इलाके में डर और दहशत का माहौल पैदा कर दिया। उत्तर प्रदेश की यह घटना कई दिनों तक अखबारों की सुर्खियों में छाई रही। आखिर कौन था यह शख्स और इसका कत्ल किसने और क्यों किया? नमस्कार, सावधान इंडिया के आज के एपिसोड में मैं सुशांत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश में घटी एक बेहद चौंका देने वाली आपराधिक घटना। पुलिस हमारी मदद के लिए बनी है और हमसे मिली जानकारी की मदद से ही पुलिस अपराध को कम से कम वक्त में सुलझा सकती है, अपराध की रोकथाम भी कर सकती है। और पुलिस के पास ना जाने की हमारी हिचक सबसे बड़ा नुकसान हमारा ही करती है। इस घटना ने पुलिस की रातों की नींद उड़ा दी थी। आखिर कौन था यह शख्स और यह इतना डरा सहमा हुआ क्यों था? ऐसी क्या बात जानता था जिसे वो पुलिस को बताने से डर रहा था? ऐसा क्या किया था कि इसे पकड़े जाने का डर था? और जिसने भी इसका कत्ल किया था उस शख्स को इससे क्या खतरा था? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हमें कुछ दिनों पहले की घटनाओं पर नजर डालनी होगी। काहे पिए इतना यार? ए जगिया, तुम काहे पिलाए हमको इतना रे? यार तुम काहे इतने डरते हो यार, हैं? गड़बड़ाए हुए एकदम काहे भाई? अरे यार सुन, उमरा बीवी है ना, अगर उसको पता चल गया ना तो मर्डर कर रही है, मर्डर। यार एक बात बताओ बिरजू, इन मर्दों का जितना खुशी होता है ना उससे ये औरतों को उतनी परेशानी क्यों होती है यार? खैर छोड़ो, कुछ नहीं होगा, तुम घबराओ मत, हाँ डरो मत, चलो चलो यार। गंद काहे सुने तुम्हारा बात, काहे पिलाए तुमको इतना? अच्छा तो तुम्हारी मतलब तुमको गंध से डर लग रहा है? तुम्हारे मुंह में गंध भी नहीं आएगा, दुर्गंध नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा देखना। हम तुमको ना इलायची वाला एकदम लल्लन टॉप पान खिलाते हैं मुन्ना के यहाँ से, और ये मुंह का सारा गंध दुर्गंध सब भाग जाएगा, समझे? घर पे जाना और भौजाई से कहना कि तबीयत ठीक नहीं है और सीधा घुस जाना बिस्तर में, ठीक है? काहे डरते हो यार बेकार फालतू में, चलो चलो ना यार। का सब रस आराम से भाई, आराम से। अरे मुन्ना भैया, हमने दोस्त के लिए ना एकदम लल्लन टॉप इलायची वाला पान खिलाओ। मुन्ना भैया कितनी देर लगाओगे, जल्दी से खिलाए तो। एक तो जबरदस्त पलंग तोड़ पान, दिमाग सनसना रहा है ससुरा। अभी लगाते। साजिद मियां, जग्या काल चाल? बढ़िया। अच्छा मतलब ऊपर भी पलंग तोड़, नीचे भी पलंग तोड़? अरे बहुत बढ़िया डिजाइन बनवाए हो साला, तुम भी रहोगे एकदम देहाती के देहाती। ये कोनो डिजाइन नहीं है, ये टैटू है, टैटू। अच्छा। और यहाँ नहीं बनवाया है, ये सब टैटू यहाँ किसी का बनाएगा होका ठेका। सही। अरे दिल्ली गए थे अपने जीजा जी के, वहीं पे बनवाए टैटू और का मस्त है, जबरदस्त। अरे बिरजू को क्या हो गया? लगता है बहुत पिया हुआ है। कैसे लेगा मजा? हमारा मतलब पान का मजा? अरे सच्चो का मजा कहाँ लेगा, उसका बीवी है ना घर पे, पता चल गया तो मजा का सजा हो जाएगा। अच्छा चलो फिर हम चलते हैं, कल स्टैंड पर मिलेंगे। ठीक है ठीक। अरे भैया पान आपका लाइए मुन्ना। चलो भैया। चलो भैया राम राम। और भैया हाँ, तुम्हारे लिए कौन सा पान लगा है? पलंग तोड़ टीआर भर के। टीआर? ए भैया टीआर भर के पान क्या होता है? जगिया भैया तुम ही बताओ टीआर भर के। बताते हैं।
अरे बिरजू तुम्हारे लायक पान नहीं है, तुमको चढ़ गया नशा, चलो रिक्शा में बैठा दे, तुम चले जाओ घर। नहीं जगह नहीं। अरे भैया हमको भी वही पान चाहिए, टीआर भर के पान चाहिए हमको भी। यार बिरजू समझने की कोशिश करो, तुमको नशा चढ़ा हुआ है समझे, तुम सोगा नहीं बर्दाश्त कुछ भी, समझ रहे हो? आज हमारा कहना नहीं मान रहे हो ना, कल हमसे मत कहना फिर। हाँ नहीं कहेंगे यार, नहीं कहेंगे। भैया दीजिए हमको टीआर भर के। तो तुमको टीआर भर के चाहिए है? मुन्ना भैया इनको देते हैं टीआर भर के आज। हाँ भैया एक मिनट भैया। हाँ भैया गाँव सब ठीक ठाक? हाँ सब बढ़िया है। अच्छा अच्छा, और खेती पाती सब ठीक चल रही? हाँ भैया इस बार तो कहा बताए, खेती की तो बाट लगी पड़ी है। हाँ भैया चले गए, आप चलो हम पीछे से आते हैं। ठीक है आओ बिरजू भैया, तुमको टीआर भर के पान खिला। अरे खिलाते हैं हम टीआर भर के पान जी ना तुमको। आओ हम टीआर भर के खिलाएंगे पान तुमको। जगिया पान का दुकान तो सारा नीचे है। हाँ। अरे यार तुमको कुछ नहीं मालूम, तुम चलो हम बता रहे। पान खाए सैया संभल गए। अरे 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 बिरजू बैठ जाओ बैठ जाओ, दारू तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है इसको, पीके दम टाइट होगा तो जब ये देखेगा तो कैसे बर्दाश्त करेगा। जल्दी से लगाओ। कहा बिरजू भैया मजा आ रहा है? अभी देखो एकदम तुमको एकदम नया चीज दिखाते हैं हम। बैठ गए ना भैया, लगा दिए हैं अब मजा लो। अरे बहुत बहुत शुक्रिया भैया, शुक्रिया भैया। अरे हाँ एक एक तुम भी मजे लो भैया। ए बिरजू भैया ये देखो ये देखो ये मजा लो। अरे ये तो तुम हीरोइन लग रही है बाबा। हीरोइन? अरे चमेली चमेली। इसका नाम चमेली है? हाँ। तुम जानते हो उसको? हाँ हाँ। तो खत्म हो गई बिरजू भैया आराम से, मिजाज ठीक ठाक है? मजा आया कि नहीं? अरे जगिया बहुत ही मजा आया यार। अरे बाबा मुझे तो पता भी नहीं था ये बाजार में ये सब चीजें मिलती, चमेली से तो चमचे मांगे भैया हम तो। चलो पान खाए मार चमचमाती चमेली। अरे उधर नहीं इधर इधर, बाहर जाने का रास्ता तो नीचे से था, अब इधर का है। काहे कि फिल्म अभी बाकी है मेरे दोस्त। फिल्म? हाँ। अभी और भी फिल्म देखनी है ना? अब तो हम कराएंगे तुमको जन्नत के दर्शन। आ जाओ जाओ। अरे ये तो ये फिल्म वाला हीरोइन चमेली। चमेली कंसिन जवानी, हम कहे थे ना बिरजू जो फिल्म में देखोगे सेम टू सेम यहाँ देखने को मिलेगा तुमको।
चाचा। एकदम तैयार हो के रानी। बाहर तौलिया रखा है, जरा दे दो ना। अच्छा अच्छा हाँ चमेली। ऐसे घूर घूर के का देख रहे हो? अरे तुम्हारे लिए तो आए हैं रानी, अब तुम पूछ रही हो। अच्छा और इनको? अरे ना ये तो शादीशुदा है ना, यहाँ पे तो बस देखने आया है। तुमको कोई परेशानी तो नहीं है ना चमेली? अरे देखने से भला हमको कौन परेशानी नहीं है, देखने में तो और मजा आता है, लेकिन असली का फिल्म देखने का पैसा अलग। अरे रानी जान ले लो हमारी, सब कुछ तो तुम्हारा है। कसम से हमारा जोरू पूरा बम है बम, सारा आज तक इसके जाल से कोई बच नहीं पाया। क्या भैया बिरजू, आज बहुत पसीना छूट रहा है तुमको, है लग रहा जम के मजा लियो देखने का है? तुम तो सार बोलो मत। का है भैया? अब पता चला हमको कितना पान का है खाते हो तुम, और वो कम बखत साजिद हुआ कंबल ओढ़ के घी पीता है। अच्छा एक बात बताओ भैया, मतलब तुम अपना बीवी के डर से मजा नहीं ले पा रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि हम तुमको मजा लेने से मना किए हैं? बताओ एक बात बताएं तुमको, ये चमेलिया है ना, ये पूरा मिजाज एकदम शांत कर देती है इस फालतू के शहर में। अरे उसी के लिए तो टिके हैं भैया हम यहाँ पे। अभी आप टिकेगा या चलिएगा? हाँ चलेंगे, काहे नहीं चलेंगे, चलते चलिए। अरे मुन्ना भैया नमस्कार, भैया चल रहे हैं। नमस्कार भैया। आओ भैया तुम एक और कहानी सुनाते हैं भैया। तो भैया बिरजू आ गया तुम्हारा घर समझे, और हमको चूंकि आ रहा है बहुत मजा, कहा की चमेली हमको बहुत मजा दिया आज, तो हम भी जाएंगे अपने घर और तुम भी जाओ सो जाओ, हम जाएंगे अपने घर तुम जाओ अपनी चमेली के पास। समझ में आया? चलो भैया राम राम। भौजी प्रणाम। ये क्या चल रहा है रोज रोज का, आज फिर घर देरी से आए हो? वो काम आ गया। हाँ हाँ तो तनी हमको भी बता दो, कौन जरूरी काम रोज रोज आन पड़ता है जो उन घर आने में देरी हो जाती है। वो छी फिर से पिए हो, ये सब ना आप ही की वजह से हो रहा है, आप ही इनको बिगाड़ रहे हैं, आप ही आज इनको भी लेकर गए होंगे, वरना पहले ये ऐसे बिल्कुल नहीं थे। और आप न जाने कितना बार समझाए हैं आपको, ये सब खराब लोगों का संगत छोड़ दीजिए, बाकी नहीं हमारी बात माने तब तो, हमसे ज्यादा तो आपको ये सब बेकार के दोस्त पसंद आते हैं ना। अरे नहीं जगह ऐसा नहीं है। अच्छा कल मिलते हैं स्टैंड पर। हाँ चलो भैया। अच्छा भौजी प्रणाम। रोज रोज रब पी कर आते हो, सुधरते काहे नहीं हो? हाँ आज गया, आज गया। मस्त रात को तो बहुत मजा लिए ना। अरे मजा, अरे भाई साहब उसके साथ मजा नहीं आता, चमेली के साथ तो जन्नत की सैर होती है पूरी। क्या बात है, बदन में आग दौड़ जाती है, अब शरीर हो जाता है टनटना के टाइट। ये बिरजू को देखो जरा। देखो भैया चेहरा कितना उतर गया है। सही एक को भी मजा चाहिए ये भी है, पर हिम्मत ही नहीं है। सही बात है भैया। अरे बिरजू तुम्हारी बीवी का स्टोरी सुने हम, ससुरी बहुत दबा के रखती है तुमको। सही बात है भैया, तुम तो चमेली के पास जाना तो दूर उसके बारे में सोचो भी नहीं, नहीं तो तुम्हारी बीवी तुम्हारा गर्दन दबा के जमीन में गाड़ देगी। भैया तुम तो एक काम करो, अपनी बीवी को ही चमेली समझकर प्यार कर लो। क्या करें भैया, हमको तुम पर तरस बहुत आता है, वो कहा है ना यहाँ का मस्त मलाईदार माल चमेली तुमको नहीं मिल पा रहा है, पर भैया
बड़ा शर्म की बात है, पर तुम कर भी खा सकते हो। जाए दो, छोड़ो। ए ए जाए दो सर, ठीक है, चलो सवाई। देख लो भैया। हाँ, अरे रामपुर सर। तो साला वही रूम है जिसमें हम चमेली के साथ ये ससुरा कमीना अरे यार बिरजू क्या हुआ मेरे राजा, कहाँ खो गए? आज मजा नहीं चाहिए का? अरे काहे नहीं चाहिए रानी, इसलिए तो आए तुम्हारे पास। अच्छा तो फिर आओ हमारे पास। तो यही धंधा है तुमरा? हाँ, अभी हम जाके साजिद को बताते हैं कि तुम चमेली के साथ उसका वीडियो निकाली हो। तो कहा होगा तुमरा, और हम तो तुमरा वो हल करेंगे ना कि तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगे। भैया हमें हीरो बना रहे थे यहाँ पे, हमारा वीडियो कहा निकाले पे? बोल, ब्लैकमेल करेगा हमको? अब भैया जाके हम पुलिस को हर चीज बता लेंगे, फिर देखते रह क्या होता है। जैसा आप सोच रहे वैसा बिल्कुल नहीं है, हम तो बस थोड़ा पैसा के लालच में वीडियो बनाए थे। जो लोग छमिया के साथ नहीं जा सकते उनको आधा पैसा में ये वीडियो दिखाते हैं। भैया भैया सब कुछ घर के अंदर होता है, किसी को सीढ़ी नहीं दिखाते हैं। भैया भैया एक एक वीडियो रोज रोज कितनी बार दिखाएं, इसलिए दो चार और वीडियो बना लिए। लेकिन भैया आप भरोसा करो, भैया भैया सिर्फ चमेली को छोड़कर किसी का भी चेहरा इसमें नहीं दिखाई देता। भैया अब तो भरोसा करो, अब पुलिस के पास तो नहीं जाओगे? हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं भैया, तुम्हारे पैर पड़ते हैं भैया। भैया चमेली के खाते मान जाओ भैया। बड़े जल्दी घबरा जाते हैं मुन्ना भाई। शांत, हम नहीं जाते पुलिस के पास। हम वादा करते हैं भैया, हम वीडियो कभी नहीं बनाएंगे। काहे काहे नहीं बनाओ वीडियो? मतलब अब जरूर बनाओ। कहा कि बहुत फायदे वाली चीज है ये सीढ़ी, और इसके लिए हमारे दिमाग में लल्लंटा पड़ गया है। कहा भैया? सुनो, अरे जगिया। हाँ बिरजू। कहाँ रे? हाँ, इतनी देर से आयो? हाँ, क्या बात हो रही है, तबीयत ही टोटल डाउन लग रही है, क्या हुआ? कहा ना रात में सो नहीं पाया, चमेली छोड़ तब ना सोए भाई, एकदम दम निकाल दिए हमारा, मूड एकदम टंटना गया इस महीनों। अब इतना कहा भी मुंह घुमा के खड़े हो जा रहे हो? अरे कहा दोस्त की खुशी में खुश नहीं हो का? अच्छा एक बात बताओ, तुमको चमेली पसंद है ना, है कि नहीं? पसंद तो है, लेकिन अब पसंद है तो खुल के बोलो, मरद हो, बीवी से घबराते भी हो और चमेली पसंद भी है। वैसे भी तुम्हारा कोई वीडियो बना के भौजाई को थोड़ी ना दिखा रहा है यार, तो फिर काहे का डर? अरे मर्द हो मर्द, हिम्मत रखो। आओ, अरे काहे गुस्सा मार रहे हो यार, आओ जा बिरजू, आज दिखा दे इसको अपना मर्दानगी। अरे डर मत चमेली,
चमेली, यानी हमारे बिरजू का ख्याल रखना। चलते हैं, मजा लो। अरे जन्नत है क्या वो? वो हम आपको। अरे काहे इतना घबरा रहे हो? हम तुमको खा जाएंगे का? वैसे आज की रात तुम भूलोगे नहीं। आओ हम तुम्हें जन्नत की सैर कराते हैं। आ जाओ। आमतौर पर हम सभी को दोस्तों से गलत काम करने का या गलत राह पर चलने का प्रलोभन मिलता ही है। यार दोस्त उकसाते ही है, लेकिन ये हम पर निर्भर करता है कि ऐसा प्रलोभन मिलने पर हम साफ तौर पर मना कर दें और ऐसे दोस्तों से दूरी बना लें। लेकिन बिरजू ने ऐसा नहीं किया। जगिया के उकसाने पर वो एक बेहद गलत और अनैतिक काम करने के लिए राजी हो गया। शायद उसे इस बात का इल्म नहीं था कि एक बार कदम गलत राह पर चल पड़े तो फिर वापस लौटने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और जिंदगी नर्क से भी बदतर हो जाती है। लेकिन यहाँ तो बिरजू चमेली की दिखाई जन्नत में खो गया था। कहीं बिरजू की पत्नी को तो इस बात की खबर नहीं हो गई थी? कहीं अपनी हवस में अंधे होकर बिरजू ने अपनी बाकी की जिंदगी तबाह तो नहीं कर डाली थी? सब कुछ सही से रिकॉर्ड तो हो रहा है ना मुन्ना? अरे बिल्कुल सही रिकॉर्ड हो रहा है सब। अरे बरसों से यही काम कर रहे हैं। अरे हम ही लगाए इस कमरा में सारे कैमरा। बिल्कुल मक्खन जैसा रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो। अब ज्यादा अपनी इंजीनियरिंग ना झाड़ो हमारे सामने। बिरजू की शक्ल एकदम साफ आनी चाहिए, नहीं तो बना बनाया सारा प्लान चौपट। समझे कि नहीं? तुम चिंता मत करो जगिया, तुम तो हमारा वीडियो देखे हो ना, एकदम क्लियर आता है। हाँ लेकिन एक बार फिर से सोच लो, वो बिरजुआ सब कुछ पुलिस को बता दिया तो? पगला गए हो का? बिरजू और पुलिस, अपनी बीवी के सामने तो ससुरा ठीक से बोल नहीं पाता है, पुलिस को क्या बताएगा? हम बहुत सोच समझ के मुर्गा फंसाए हैं और आगे भी ऐसा ही मुर्गा फंसाते रहेंगे। जिसको कुछ खोने का डर हो, हमने तेरे निखट्टू नहीं, जिसे कोई भी वीडियो निकाल लो, कोई फर्क ना पड़ता हो। अरे ये सब मुन्ना की है? हम ये कहाँ हो गया? जो पैसे के लिए अपनी बीवी को बेच सकता है ना, उसके लिए काम कोई बड़ा काम नहीं है। अरे ये सब कहाँ हो गया जगिया? अब क्या करें हम? तुमने कभी बताया नहीं कि मुन्ना ये सब कर सकता है। हमको कहाँ मालूम बिरजू कि मुन्ना अपने कमरे में कैमरा लगा के बैठा है और तुम्हारा वीडियो बना के तुमको ब्लैकमेल करेगा। हमारे साथ कभी कुछ ऐसा हुआ नहीं, तुम कैसे समझ पाते? कमीना सा। अगर हमारी बीवी ये सब देख लेती ना तो जिंदा काट देती हमको। अरे तुम हमको वहां काहे ले गए जगिया? एक सीढ़ी तोड़ने से कुछ नहीं होगा बिरजू, और भी सीढ़ी है उसके पास इस वीडियो का। दरअसल कह रहा था कि तुमसे उसको 50,000 रुपए चाहिए। क्या 50,000? हाँ बोल रहा था कि अगर तुम 50,000 रुपया उसको दे दोगे ना तो ये सारा सीडी वो तुमको दे देगा। अरे पर इतना पैसा लाए कहाँ से? अगर ऑटो पे भेज देंगे तब भी इतना पैसा नहीं आएगा, अब क्या करे? हमको तो कोई रास्ता नहीं सुझाई पड़ रहा है बिरजू, हम लोग को कहाँ बताए? ये सब कहाँ से लाए बिरजू तुम? ये हमारा ही है, हमारी बीवी का। मतलब अपना बीवी का गहना चुरा के लाए हो तुम? अपना घर में चोरी की हो तुम? तुम्हें बताओ जगिया भाई, करते तो और क्या करते? ठीक कह रहे हो तुम, इसके सिवा तुम्हारे पास रास्ता भी नहीं था। लेकिन यार ये सब हमको कहाँ दे रहे हो, क्या करेंगे ये सब का? भैया ये सब का सब बेच दो, 50,000 से ज्यादा का ही हो गए, और ये सारा पैसा वो मुन्ना को देके हमारा सारा का सारा सीडी वापस ले लो भैया। जगिया भाई हम तुम्हारे भरोसे ये सब लेके आए थे, अभी तुम ही हो जो मैं इस मुसीबत से छुटकारा दिला सकते हो भाई।
अब इतनी पुरानी दोस्ती है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तुम चिंता मत करो बिरजू, हमसे जो बन पड़ेगा ना हम भरसक कोशिश करेंगे। क्या मुन्ना भैया कहे थे ना माला माल कर देंगे तुमको, अब देख लो। तो गजब हो गया भैया, इतना पैसा तो हम 6 महीना में नहीं कमा पाते। लेकिन भैया, लेकिन वेकिन अगर मगर ये सब मुन्ना भैया छोड़ दो यार। अब तुम नोट गिनो नोट, देखना बहुत जल्द लखपति नहीं करोड़पति हो जाएंगे। अच्छा सब काम किए हम और हमको कुछ नहीं मिलेगा। ए डार्लिंग, तुमको मांगने की क्या जरूरत, सब तुम्हारा ही तो है। अरे भैया हम भी तो अपनी रानी के ही हैं। अच्छा एक बात बताऊं ना भैया, हम इतना मेहनत किए काम को कोई इनाम इनाम नहीं मिलेगा का? अरे काहे ना मिलेगा, बोलिए क्या चाहिए आपको। एक रात चमेली के साथ वो भी फ्री, क्या गुलू बदन डार्लिंग, जगिया भैया को आज पूरा खुश कर दो। ठीक है चलो। चलो अच्छा मुन्ना, बहुत पैसा आने वाला है, बड़ा अलमारी खरीदो बड़ा। झुम बराबर झुम चमेली झुम बराबर। और पैसा, किस बात का पैसा है? 50,000 का बात हुआ था और वो दे दिए थे, अब उसको बोलो सीधे सीधे सीडी वापस कर दे। मैं ये तो हम बोले थे उससे, इन कमीने को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहता है 50,000 तो पहली किस्त थी, जब पूरे 1,00,000 रुपए दे देंगे तभी सीडी देगा हमें। हम बहुत समझाए उसको, हाथ पे जोड़े, लेकिन उस ससुरे को समझ में आए तो कमीना धोखेबाज। हाँ अरे क्या हाल है बिरजू भैया। अरे भैया आजकल तो तुम्हारा बहुत चर्चा है, सुना है रोज जाने लगे हो चमेली के पास। भैया जवाब नहीं तुम्हारा है। कहाँ साजिद भाई, इतना पैसा किसके पास है, ये रो रो जाके मजा ले। गए थे एक बार बस। बहुत सीरियस लग रहे हो तुम लोग, कुछ जरूरी बात कर रहे थे। ठीक है तुम लोग बात करो, हम उधर बैठते हैं। तो कहाँ कहे मुन्ना तुम? तुम कुछ नहीं कहोगे इससे, हम बात करते हैं उससे, देखता हूँ कैसे वापस नहीं करता सीडी। अरे समझता क्या अपने आपको, मजाक बना रखा है क्या? और या तो सारा का सारा सीडी से वापस ले लेंगे वरना जान ले लेंगे उसकी। जान से मार दूंगा उस मुन्ने को मैं, राम चाहता है बीवी का दल्ला छोड़ेंगे नहीं उसको, जान से मार दूंगा उसको मैं। ए बिरजू मुन्ना 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 बिरजू ये क्या कर दिया तूने बिरजू? दुबो चूड़ी सोने का बड़ा बड़ा झुमका और एको बड़ा बड़ा सोने का हार, वो कमीना चोर सारा का सारा सोना चुरा कर भाग गया। अलमारी का लॉक जैसे का तैसा है, मतलब कि चोर अलमारी को चाबी से ही खोला है, घर का खिड़की दरवाजा सब कुछ ठीक ठाक, इसका मतलब है कि कोई घर में जबरदस्ती नहीं घुसा, ये घर का ही किसी आदमी का काम हो सकता है। यहाँ पे आपके साथ और कौन रहता है? हमारे साथ तो हम और हमारा आदमी, और क्यों नहीं रहता। हेलो क्या ठीक है, तुम लोग वहां से स्पॉट को घेर लो और किसी को जाने मत देना, हम लोग तुरंत वहां पहुंचते हैं, एक इमरजेंसी केस आ गया हमें निकलना होगा।
धीरज रखिए आप, हमको बताइए कि यहाँ पे क्या हुआ था। इंस्पेक्टर साहब, हम कुछ नहीं जानते, किसी को नहीं देखा हमने। जब हम नहा के बाहर निकले और इनको खाना खाने के लिए बुलाने आए तो देखे ये जमीन पर पड़े हुए हैं और इनके माथे से खून बह रहा था। हम ये सब देखकर डर गए और फिर किसी ने कोई भारी चीज से हमारे माथे पे मार दिया। ये सब कुछ इतना जल्दी हो गया कि हम उसको देख नहीं पाए और बेहोश हो गए। और जब होश आया तो सर, आसपास के लोग बता रहे थे कि औरत धंधा करती है, कहीं ऐसा तो नहीं सर किसी के किसी सरफरे आशिक ने कत्ल किया? तुम एक काम करो, नीचे जाओ और इसके बारे में पूरी डिटेल पता करो। जी सर। ये मोबाइल किसका है? नहीं मालूम। ये फोन आपके पति का है ना? जी साहब। उस रात के बाद बिरजू ने आपको फोन किया? नहीं। तुम तो उसके दोस्त हो ना, ये मोबाइल में तुम्हारा भी नंबर सेव है, बहुत से बार उसने कॉल किया तुमको। जी वो कहा है ना इंस्पेक्टर साहब कि हम और बिरजू एक के स्टैंड से रिक्शा चलाते हैं ना, इसलिए। राम भरोसे पान भंडार का मालिक मुन्ना दुबे का मर्डर हो गया है और हमको शक है कि बिरजू उसका खून किया है। मौकाए वारदात से ये फोन बरामद हुआ है और हमको ये भी शक है कि आपका जो गहना चोरी गया ना वो कोई और नहीं, आपका पति बिरजू ही लेकर भागा है। भौजी धीरज रखो, भौजी सब ठीक हो जाएगा, हमको पूरे यकीन है बिरजू ऐसा नहीं कर सकता। भौजी तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि बिरजू ऐसा नहीं कर सकता, जब शराब की दुकान पे बिरजू मुन्ना को जान से मारने की धमकी दे रहा था तो मुंह मौजूद थे ना, सबने देखा है, ये बात से तुम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन साहब बिरजू मुन्ना को काहे मारेगा? हमको शक है कि बिरजू वेश्यावृत्ति का धंधा चलाता है, सिर्फ शक है, साबित करने के लिए हमारा पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। नहीं साहब, कौनो ना कौनो गलत प्रेमी जरूर है। अरे हमार बिरजू तो ऑटो चलाता है, वही सब गंदा काम कबो नहीं कर सकता। तो फिर हो सकता है कि मुन्ना उसे ब्लैकमेल कर रहा होगा इसलिए बिरजू ने उसका खून कर दिया। पर उनको केहू ब्लैकमेल काहे करेगा? देखिए मैडम, शराब की दुकान पे सभी ने सुना है कि बिरजू मुन्ना को जान से मारने की धमकी दे रहा था, क्यों ये बात सच है ना? हाँ साहब सही तो है, लेकिन वो बस बोला था, गुस्से में था उस वक्त, मुन्ना उससे बहुत पैसा उधार ले लिया था, अब मांगने पे देने से मना कर रहा था बस इसलिए। ये सब सारू बिरजुआ का क्या हुआ है? दारू के अड्डा पे चिल्ला रहा था कि मुन्ना को मार डालेंगे, मुन्ना को मार डालेंगे। हमको ये उम्मीद नहीं था उससे कि वो सही में मुन्ना को मार डालेगा। तुमको भी मारने का कोशिश किया और अब भाग गया, बताओ क्या कर सकते हैं हम? अरे इसमें हम क्या कर सकते हैं, तुम उसको ब्लैकमेल किए, इससे वो भड़क गया और हमारे पति का खून करके भाग गया। ये सब तुम्हारी गलती है, तुम ही किए हो ये सब। अरे चमेली ये तो बिरजुआ है, हम पे नजर रखा है। क्या हुआ यादव? लगता है सर पानी में फेंकने से पहले इसके सर पे किसी भारी चीज से मारा है। अलर लाश को पलटी करो। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। चमेली बात करना है तुमसे अभी। सुन रहे हैं, बोलो। का किया तुम बिरजू के साथ? अरे हम का किया है, जो किया है वही किया है, हमको विधवा बना के भाग गया। हम भी यही सोचे थे, लेकिन अभी लाश देख के आ रहे हैं उसका नदी के पास से, किसी ने खून कर दिया उसका, कौन हो सकता है?
अरे हम कैसे बताएं कि कौन हो सकता है? शराबी आदमी था, दारू के नशा में गिर गया होगा नदी में और मर गया होगा। तुम काहे इतना टेंशन ले रहे हो? डूब के नहीं मरा है वो, उसका सर फटा है पीछे से, किसी ने किसी चीज से मारा है उसको, उसके कारण मरा है वो। तब तो तुम ही मारे होगे उसको। काहे कि तुम ही को उससे डर था कि वो जाके पुलिस को बता देगा सब कुछ कि उसको ब्लैकमेल करने में तुम शामिल थे। पागल हो गई हो क्या? कुछ भी अनसन पकड़ी जा रही हो। अरे ना, ये तुमको ध्यान ही नहीं आया, बिरजू के मरने से तुमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब तुमको सब कुछ मालूम है। कहीं तुम ही तो नहीं मारे हो उसको? छोड़ो मेरा हाथ। क्या फालतू बक रहे हो? भूल गए का बिरजू को ब्लैकमेल करने का आइडिया तुम ही दिए थे? बिरजू को ब्लैकमेल करने का आइडिया मुन्ना को हम जरूर दिए थे, लेकिन ये आइडिया भी तुमने हमको दिया था। काहे चिंता करते हो? कैमरा तैमरा से तुमको कौन फर्क पड़ेगा? बिजनेस करोगे हमारे साथ? बिजनेस? कैसा बिजनेस? तुम्हारा दोस्त है ना बिरजू, उसे ले आओ हमारे पास, हम उसका वीडियो बनाकर उसे पैसों के लिए ब्लैकमेल करेंगे। तुमको पता है कि बिरजू हमारा चक्कर में ये सब झंझट में फंस गया, लेकिन हम ही नहीं चाहते थे कि उसका मौत हो जाए। अब काहे लड़ाई कर रहे हो हमसे तुम? तुम्हारा दोस्त मरा है तो हमारा पति भी तो मरा है। देखो जो हो गया सो हो गया, अब फालतू का नाटक करके का फायदा? आगे की सोचो। अरे जाओ, जाके कोई नया बकरा ढूंढो और माल कमाने की सोचो। अरे साजिद भाई, आप मुन्ना का दुकान आज हमेशा के लिए बंद हो गया। पुलिस बोल रही थी कि वो बिरजू मारा है मुन्ना को। बकवास है सब। अगर मुन्ना को बिरजू मारा होता ना तो बिरजू खुद ना मर गया होता। क्या बात कर रहा है जग्या, बिरजू मर गया? हाँ, नदी में उसका लाश तैर रहा था, किसी ने उसको किसी चीज से सर पे मारा और लाश को ले जाकर नदी में फेंक दिया। हमको तो इस सब के पीछे ना ये कमीनी चमेलिया का हाथ लग रहा है। अभी जा रहे हैं हम पुलिस को सारा मामला बताने, पुलिस खुद ही पता कर लेगी सब। अरे क्या बताओगे तुम पुलिस को? तुमको बिरजू और मुन्ना के खून के बारे में कुछ पता है? बहुत कुछ पता है शायद भाई, हम मानते हैं गलती हमारा भी था, लेकिन हम अपने दोस्त के साथ अब इससे ज्यादा गद्दारी नहीं कर सकते। हम अभी जाएंगे पुलिस के पास और सारा मामला बताएंगे। एकदम सही फैसला लिया जग्या, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। हाँ चलो, आओ चलो। अरे साजिद भाई, ये हम लोग कहाँ आ गए? खाना तो किसी ही रह गया। अरे साजिद भाई, कहाँ लेके आए हो यार? नदी किनारे कहाँ ले आए? हम लोग तो थाने। एकदम सही जगह लाए तुमको। साला अपने दोस्त के लिए बहुत पगला रहे थे ना, तो आज भेज देते तुमको तुम्हारा दोस्त के पास। का? और ससुरी, इस बार हम कोई गलती नहीं करेंगे, तुम्हारा लाश भी नहीं मिलेगा किसी को। का कह रहे हो साजिद भाई? तुम और तुम्हारे दोस्त को साधु बनने का बहुत शौक था ना, तो बनो साधु। हम कब मना किए, लेकिन हम हमारा और चमेली का प्लान तुमको बर्बाद नहीं करने देंगे। इसका मतलब बिरजू का कत्ल तुम ही किए हो ना? बहुत देर बाद पता लगा तुमको, सिर्फ कत्ल ही नहीं किए, उसको ब्लैकमेल करने का आइडिया भी हमारा ही था, और हमको कोई चाहिए था जो हमारा ये काम कर सके। और तुमको पता लग गया कि रूम में कैमरा लगा है, और चमेली तुमको अपना जाल में फंसा कर राजी कर ली ब्लैकमेल करने के लिए। ये प्लान भी हमारा और चमेली का ही था, और फंस तुम गए। अब तुम जाओगे अपने दोस्त के पास। अब साला तुमको कौन बच? ए, रुक जाओ, नहीं तो साला ये तुम्हारा समाधि बना देगा। इंस्पेक्टर साहब, हम अपना गुनाह कबूल करते हैं। बोल। वो कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, बिरजू शराब का ठेका पर जोर जोर से चिल्ला रहा था कि वो मुन्ना को मार डालेगा, तो हम सोचे कि हमको इससे अच्छा मौका और नहीं मिलेगा। मुन्ना, खाना तैयार है। मुन्ना, मुन्ना।
ये क्या किया साजिद? अरे चमेली तुम जल्दी करो, पुलिस आएगी तो पुलिस को लगना चाहिए कि तुम दोनों के ऊपर हमला हुआ है और उसमें थोड़ा बहुत चोट तुमको भी लगा है। ये मुन्ना का खून हम किए, लेकिन फंसेगा वो बिरजू। लेकिन कैसे बिरजू पे कैसे जाएगा? अरे वो ससुरा दारू का अड्डा पे चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि मुन्ना को मार देगा, मुन्ना को मार देगा। सब सुने हैं, सब गवाही देंगे। चलो जल्दी से हम सारी सीढ़ी हटा देते हैं और माफ करना डार्लिंग, हमको मजबूरी में तुमको मारना ही पड़ेगा। बिरजू बहुत डरा हुआ था ये देखने के लिए हम उसका पीछा किए कि वो करता क्या है, पर वो ससुरा कहने लगा कि वो पुलिस को सब कुछ सच सच बता देगा। पुलिस को हमें सब कुछ सच बता दूंगा। हमने सोचा था साहब कि सीढ़ी की बात पर वो अपनी जबान बंद रखेगा, लेकिन नहीं इंस्पेक्टर साहब, हमको उसको मारना ही पड़ा। हमको माफ कर दो भौजी, बहुत बड़ा गलती हो गया हमसे। ज्यादातर अपराधों का मूल कारण होता है लालच। लालच हमेशा इंसान को तबाह करता है। पैसे और जिस्म की हवस ने यहां 6 जिंदगियां बर्बाद कर दी। मुन्ना और बिरजू को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। अगर जगिया ने चमेली की बात ना सुनी होती तो आज उसका दोस्त बिरजू जीवित होता, और अगर बिरजू ने जगिया की बात ना मानी होती तो ना तो वो इस चक्रव्यूह में फंसता, ना उसे अपनी जान गंवानी पड़ती। और अगर मुन्ना ने जगिया का प्रस्ताव ठुकरा दिया होता तो आज वो भी जीवित होता। लेकिन ये सब लालच में सही और गलत का फर्क भूल चुके थे। बिरजू से एक और भूल हुई, पत्नी के डर से वो अपनी बात पत्नी से नहीं कह पाया, वरना शायद वो इस मुसीबत से बहुत पहले ही निकल चुका होता। तो अपने परिवार के सदस्यों पर निगाह रखें, कहीं आपके परिवार का कोई सदस्य अपनी नासमझी में गलत संगत में पड़कर भटक तो नहीं रहा है। अदालत ने साजिद कुरैशी और चमेली को अश्लील वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करने के जुर्म में आईपीसी के सेक्शन 292 और बिरजू के कत्ल के जुर्म में सेक्शन 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई। जगिया को अश्लील वीडियो के जरिए ब्लैकमेलिंग के जुर्म में शामिल होने के लिए सेक्शन 292A के तहत 2 साल कैद की सजा सुनाई गई। तो सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने परिवार को स्नेह और विश्वास की डोरी में मजबूती से बांधे रखें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी जुर्म से जंग की ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ।